गुजरात में अब तक कोरोना के 13 मामले सामने आ चुके हैं। वैसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जनता कर्फ्यू के लिए लोगों को विनती की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के 3 दरवाज़ा पर, और 3 दरवाज़ा जो कि अक्सर लोगों से भरा पड़ा रहता है। यहाँ पे पूरे गुजरात से लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं, तो वहीं ये दरवाज़ा आप देख सकते हैं, इक्का दुक्का लोगों के अलावा यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है। लोग अपने सुबह का वक्त है तो जीवन जरूरियात की चीज़ें लेने के लिए सड़कों पर निकले हैं, लेकिन जो दुकानें हैं ये दुकानें बंद है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी की ओर से एक हाई लेवल मीटिंग कल बुलाई गई थी, और उसके बाद अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और वडोदरा जहां पे कोरोना के पॉजिटिव केस पाए गए हैं उसे 25 मार्च तक लॉकडाउन करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। तो वैसे में अब ये दुकानें 25 मार्च तक बंद रहेगी, लेकिन यहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यहाँ के एसोसिएशन है, इन लोगों ने अब इसे 31 मार्च तक बंद रखने की घोषणा कर दी है। साथ ही अगर सूरत की बात की जाए तो सूरत में टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्रीज ने भी 29 मार्च तक बंद घोषित कर दिया है। सबसे अहम कहेंगे आज जनता कर्फ्यू की वजह से यहाँ पे गुजरात के अंदर खास करके जो BRTS सर्विसेज है उसे बंद कर दिया गया है। साथ ही जो AMTS की सर्विस है उसे भी बंद कर दिया गया है। लोगों से भी प्रशासन बार बार यही अपील कर रहा है कि लोग अपने घरों के अंदर रहे, लोग बाहर ना निकले और कोरोना वायरस को रोकने में प्रशासन की मदद करें, क्योंकि ये तभी रुकेगा जब लोग अपने घरों के अंदर रहेंगे। किसी भी चीज़ को छूने के बाद बार बार हाथ धोए, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो छूने से ही फैलता है। हालांकि गुजरात के अंदर जितने भी मामले सामने आए हैं, जो 13 मामले सामने आए हैं उसमें 12 मामले ऐसे जो विदेश गए थे और लोग वापस आने के बाद उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ है, लेकिन एक जो मामला है उसमें एक शख्स दिल्ली गया था और उसके बाद उसे कोरोना पॉजिटिव आया है। तो वैसे में अब प्रशासन भी ये लोगों से बार बार कह रही है कि लोग अपने घरों के अंदर ही रहे और घरों से बाहर ना निकले। गोपी घांगर, अहमदाबाद। हमारी आज की सावधानी कल की जिंदगी है। कोरोना वायरस के सामने पूरा विश्व लड़ा हुआ है, जंग खेल रहा है, और इसीलिए आज इतवार का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं सारे मॉल मल्टीप्लेक्स जो है वो बंद है। इतवार का समय होता है, वैसे ही इधर अक्सर लोग शॉपिंग करने आते हैं, और तकरीबन 5.5 घंटे से भी ज़्यादा समय हो गया है ये जनता कर्फ्यू को, लेकिन सारे नागरिक जो है वो इसका समर्थन करते इधर नज़र आ रहे हैं। इक्के दुक्के जो वाहन होंगे वही आपको दिखाई दे रहे होंगे, 2-पहिया 4-पहिया वाहन जो है वही आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जनता कर्फ्यू का समर्थन अहमदाबाद में हर एक नागरिक कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ही अच्छी बात है। जनता कर्फ्यू का जो शब्द सबसे पहले जो था 1956 में इंदुलाल याग्निक के द्वारा बयां किया गया था। उस वक्त जो लड़ाई थी वो सरकार के सामने थी, लेकिन इधर जो है जनता कर्फ्यू हम जो लड़ रहे हैं वो एक वायरस के सामने ये लड़ाई है जो पूरा विश्व कर रहा है। बस हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, अपना और अपने परिवार वालों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, तब ये हम वायरस के सामने आराम से जंग जीत लेंगे। सौम्या सिंह, अहमदाबाद, गुजरात तक।